खराब कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहने वाले उत्तर प्रदेश से एक और शर्मनाक वारदात सामने आई है, जहां रेप की कोशिश कर रहे हैवानों ने पीड़िता को ऐसा जख्म दिया जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पाएगी। मामला बागपत का है, जहां बुधवार को चार आरोपियों ने महिला को घर में अकेला पाकर उसके साथ गैंगरेप करना चाहा, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए पीड़िता ने लगातार अपनी आबरू बचाने के लिए उसका विरोध किया, जिसके बाद सनक में डूबे सिरफिरों ने पीड़िता के कान काट दिए और उसे जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द से जल्द इन आरोपियों को दबोच लेगी, लेकिन बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने मामले पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि रेप की कोई कोशिश नहीं की गई, इस मामले की सच्चाई कुछ और ही है। अब बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह किस आधार पर इस मामले को झूठा बता रहे हैं, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर सच क्या है, जो पीड़िता बोल रही है वो या फिर जो सांसद साहब बोल रहे हैं वो। देखते रहिए डीबी लाइव।